Hello everybody, today we will be doing question number 3 from exercise 14b. Question is, find the volume of a cuboid of dimensions. Ek hame cuboid hai, okay, that is given, we have to find out the volume of that cuboid. So, bhai, ab to hum log, we are like pro, hum to bade expert ho gaye, kisi bhi aap hume de dijiye cuboid, we can find out the volume, hai na, theek hai, sab bachcho ko aa gaya na, yahan par, this is given as 18 centimeters. And the breadth is given as 120 mm and the height is given as 150 mm. ठीक है, अब उन्होंने क्या हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करा यहाँ पर, the dimensions are in different unit different है ना, तो कोई नहीं, हमें तो पता है, we know scale से पता है ना, 1 centimeter कितना होता है, 10 mm के equal होता है, ठीक है, ये हमें पता है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबको, that means 1 mm is equal to 1 upon 10 centimeters, मैंने ये 10 इधर लिया है, ठीक है, तो 1 mm will be equal to 1 by 10 centimeters, किसी भी dimension को, mm से अगर centimeter में चेंज करना है, तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो फिर 1 by 20 will be equal to 120 by 10 centimeters, this is equal to 12 centimeters, ठीक है, Now 150 mm will be equal to 150. फिर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में. This will be 15 centimeters. लेंथ तो थी उसमें सेंटीमीटर्स में, this is 18 centimeters. ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी एल इंटू बी इंटू एच, 18 इंटू 12 इंटू 15. ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, This will come out to be 3240 centimeter cube. ठीक है, clear? Now we come to question number 4. In question number 4, a brick of size, एक ब्रिक का साइज गिवन है, हमें बताना है अगर हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगे. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू हियर इज, द साइज ऑफ द ब्रिक इज, दिस इज 20 सेंटीमीटर्स, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 3.5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी होगा, यूजुअली इट इज एल इंटू बी इंटू एच. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, पर ऐसा नहीं कि टीचर ने तो बताया नहीं व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द ब्रेथ, व्हाट इज द हाइट. ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा, अगर यहाँ पे 20 होता, हाइट इज 20, 10 इज द लेंथ, तो भी वॉल्यूम सेम रहेगा. ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी कर लीजिए आप. क्लियर, नाउ वी हैव टू द डायमेंशन ऑफ वॉल, जो हमें वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है उसका डायमेंशन हम देख लेते हैं. ठीक है, वॉल का डायमेंशन इज 25 मीटर्स इंटू 2 मीटर्स एंड द हाइट इज 0.35 मीटर्स. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ब्रिक्स वी हैव टू यूज इन कंस्ट्रक्टिंग दिस वॉल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वॉल, उसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से. ठीक, लेकिन आंसर जो है हमें किसमें बताना है, अच्छा कुछ ऐसा गिवन नहीं, बट स्टिल वॉट वील डू हेयर इज, हम यहाँ पे 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, तो हम इनको भी सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं, तो फिर 25 mm मीटर्स विल बी 2500 सेंटीमीटर्स, 25 इंटू 100 कर दिया तो 2500 सेंटीमीटर्स. ठीक है, 2 meter दिस विल बिकम 2 इंटू 100, दिस विल बी 200 सेंटीमीटर्स, राइट, 0.35 मीटर्स विल बिकम 35. ठीक है, ये डेसिमल हट, चलिए इसको दिखाते हैं आपको, 0.35 इंटू 100 कितना होगा, तो हम सिंपल पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3500 00. ठीक है, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2, तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 1 2, वी प्लेस द डेसिमल हियर, तो ये क्या बन जाएगा, 35 सेंटीमीटर. क्लियर हुआ, तो हमने यहाँ पे डेसिमल का प्रोडक्ट भी देख लिया. ठीक है, तो नाउ वी फाइंड आउट नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ
bricks will be area of wall, sorry, volume of wall divided by volume of each brick. ठीक है, ऐसी तो हम एरिया जब था तब भी तो ऐसी करते थे, है ना, रिमेंबर वी डू द सेम थिंग, अब हम वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो व्हाट वी डू हियर इज नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी इक्वल टू इसका वॉल्यूम 25 इंटू 2 इंटू, अच्छा सॉरी, ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू 200 इंटू 35 divided by 20 into 10 into 3.5. ठीक है, ऊपर भी सेंटीमीटर क्यूब था, नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. लिख लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, दोनों कैंसिल आउट हो गए. ठीक, तो द आंसर विल बी 0 से 0 0 से 0. ठीक है, ये वाला डेसिमल हट के ऊपर आ जाएगा, राइट, 35 से 35 कैंसिल, 100. ठीक है, तो अब कितनी आई हमारे पास, दिस इज 2 5 1 2 1 2 3. ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो गई, 25,000. क्लियर है, इजी सिंपल. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4 5, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 5 इज find the volume of oil that can be poured into a container of dimension. एक container है, ठीक है, suppose एक कोई container है, L B H breadth height. ठीक है, तो इस container में कितना oil आ सकता है, तो कितना आ जाएगा, जितना इस container का volume होगा उतना ही हम यहाँ पे इसके अंदर ऑयल कर सकते हैं, डाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर, तो फिर वॉल्यूम विल बी अगेन एल इंटू बी इंटू एच. समझ में भी आ गया ना क्यों ऐसा करा है, जो भी इसका वॉल्यूम होगा उतना ही ऑयल कैन बी पोर्ड इनटू दिस कंटेनर, राइट. तो दिस इज 13 × 8 × 11. ठीक है, 3 8s are 24 8 1s are 8 9 10 × 11, तो ये कितना हो जाएगा, this will be 1144 centimeter cube, right. Now we'll come to question number 6. आपको मैंने पहले भी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर जब वीडियोस नहीं मिलती हैं आप लोग को तो आप क्या करिए, इनफैक्ट यही करके देखा करिए, ब्रेनो सॉल्यूशन की कोई भी वीडियो देखिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ब्रेनो सॉल्यूशन का लोगो आता है छोटा सा, उसको क्लिक करिए, यू विल गेट अ पेज विद डिफरेंट हेडिंग्स, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल. आप प्लेलिस्ट को दबाइए, जो आपको चैप्टर देखना है उस पे क्लिक करिए, यू विल गेट ऑल द वीडियोस फ्रॉम ए टू जेड, ऑल द क्वेश्चन. ठीक है, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए. अदरवाइज इट हैपेंस कि आप लोग को इंट्रोडक्शन नहीं मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, वर्कशीट नहीं दिखती है, और फिर आप लोग का क्वेश्चन आता है कि मैम ये दोबारा सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, या सॉल्व करके दिखाइए, राइट. Now question number 6 is a cuboidal iron piece of dimension. This much was melted into a cubical iron pieces of side. ठीक है, एक कोई cuboid था, हमने उसको क्या करा, उसको melt करके एक cube के form में उसको अब हमने बना दिया. ठीक है, you have to find out how many pieces can be formed. ठीक, तो हम क्या करेंगे, volume जो है वो same रहता है, हम अगर इस iron था इसके अंदर आयरन को मेल्ट करके ये बनाया, वॉल्यूम विल रिमेन द सेम. ठीक है, तो फिर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस इज 12, दिस इज 4 एंड अच्छा दिस इज 4, दिस इज 40 सेंटीमीटर्स. ठीक है, बाकी ये क्या है, मीटर मीटर. इसमें वी हैव 4 सेंटीमीटर्स, 4 4 4 4 सेंटीमीटर्स 4 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में है, ये मीटर में, इन दोनों को चेंज कर लेंगे, 4 मीटर विल बिकम 4 × 100, दिस इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर्स. ठीक है, आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स में कर लिया. अब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे,
हम दोनों का वॉल्यूम आपस में डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 400 इंटू 1200 इंटू 40 डिवाइडेड बाय, आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 4 से 100, 4 से 10, 4 3s are 12, तो ये कितना आ जाएगा 3 0 3 0 0 0 0, दैट मीन्स 3 lakh ब्लॉक्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस क्यूबॉइड. ठीक है, नाउ वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इन क्यूबिक मीटर. एक क्यूब है उसका साइज कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 9 9 सेंटीमीटर. ठीक, तो इसको हम कैसे, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करते हैं तो कितना हो जाएगा 9/100 meter. 1 सेंटीमीटर 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हमने ये पढ़ा है. तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100 meter. ठीक है, तो फिर 9 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 9/100 meter. इसको हम कैसे, दो डिजिट है ना, दो जीरोस हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो इसको डेसिमल में कैसे कर सकते हैं हम, 1 2 दो डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू जीरोस, तो हम टू डिजिट के बाद वी प्लेस अ डेसिमल. अब ये क्या हो गया, मीटर में हो गया. ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी 0.09 × 0.09 × 0.09. ठीक है, 9 9s are 81 × 9 कितना हो जाएगा, दिस विल बी, दिस विल कम आउट टू बी 729. ठीक, अब हम देखते हैं कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 digits है, 1 2 3, हम कैसे लगाएंगे 4 5 6 एंड डेसिमल. क्लियर है, यूनिट कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब में आंसर चाहिए था तो मीटर क्यूब में आंसर आ गया. आई होप दीज क्वेश्चन आर क्लियर. नाउ वी विल मूव ऑन टू द वर्कशीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.